हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वीटा। गाइज, आज इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐसी एप्लीकेशन मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो आपके विंडोज 10 या फिर 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकती है और एक अलग तरीके से यूज करने का तरीका आपको बता सकती है। उस ऐप का नाम है पावर टॉयज, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। इसके कुछ वीडियोज मैं आप लोगों के लिए बना भी चुका हूँ, लाइक इमेज रिसाइजर का और फोकस्ड माउस का। यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं आज माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज के, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और ये ऐप आपको कितना फायदा पहुंचा सकती है आपको ये डेफिनेटली पता लग जाएगा। तो कुछ खास और एडवांस्ड फीचर हैं इस ऐप के। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करना है। आपको जस्ट अपने विंडोज 10 या फिर 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर। मैं यहाँ पे स्टोर टाइप करता हूँ, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपका तभी यहाँ पे ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे जब आपने इसको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन कर रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हमारा ओपन हो गया है। देन यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर टॉयज। ठीक है, पावर टॉयज जस्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास ऐप आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 4.7 रेटिंग है और वो रेटिंग इसलिए है क्योंकि इसका वर्क बहुत शानदार है। कंप्लीटली एक नया तरीका, आपको एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का, कैसे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको जस्ट इसको इंस्टॉल करना है इस तरीके से, इंस्टॉल पे क्लिक करने पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पावर टॉयज प्रीव्यू वर्जन अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एक समय था जब पावर टॉयज को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन पावर टॉय को अब बहुत ही एडवांस और बहुत ही पावरफुल बनाकर अब वापस से यहाँ पे लॉन्च किया गया है विंडोज 10 के साथ। ठीक है, जहां पे हम विंडोज 11 में भी इसका यूज कर पा रहे हैं। तो पावर टॉयज हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इसके इंटरफेस को देखिए, काफी सारे फीचर हैं इसके, बहुत ही अमेजिंग फीचर हैं जिनको आपको देखना चाहिए। अगर आपको उनके बारे में पढ़ना भी है तो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिशियल पेजेस के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फीचर को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कुछ टैब्स यहाँ पे आते हैं और ये इसका इंटरफेस है पावर टॉयज की सेटिंग का, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टैब्स यहाँ पे आपके सामने हैं और ये सभी टैब्स यहाँ पे जनरल को छोड़ के, जनरल तो आपको पावर टॉयज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कौन सा वर्जन है वगैरह वगैरह और कितनी अपडेट्स वगैरह आप डाउनलोड ऑटोमेटिक कर सकते हैं नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाकी के जितने टैब्स ये इसके फीचर हैं आप देख सकते हैं, अवे, कलर पिकर, फैंसी जोन, फाइल एक्सप्लोरर, एडॉन्स, इमेज रिसाइजर, कीबोर्ड मैनेजर, माउस यूटिलिटीज, पावर रीनेम, पावर टॉयज रन, शॉर्टकट गाइड, वीडियो कॉन्फ्रेंस म्यूट। ठीक है, ये सभी जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फीचर्स यहाँ पे आपको पावर टॉयज प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही अमेजिंग फीचर है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में आपको बताता जाता हूँ और आप लोग भी देखते जाइएगा। अगर आपके सिस्टम की रैम 4GB से ज्यादा है तो ये जो पावर टॉयज है आपके सिस्टम में बखूबी वर्क करेंगे। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवेक के बारे में। अवेक एक बहुत ही शानदार फीचर है, हर एक फीचर को आपके पास ऑप्शन मिलता है, आप उसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास बटन आ जाएगा ऑफ या ऑन का। ठीक है, अगर आपको किसी फीचर की नीड नहीं है तो आप इसको डिसेबल या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो अवेक एक बहुत ही शानदार फीचर है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक फैसिलिटी मिल जाती है। जब भी आप अपने सिस्टम से थोड़ा सा अवे जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका सिस्टम अवेक पोजिशन में रहे, स्लीप ना हो जाए या फिर आपकी जो स्क्रीन है वो ऑन रहे, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। जब आप इसको अनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, मोड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं, कीप अवेक इंडेफिनेटली, कीप अवेक टेम्परेली। ठीक है, कीप अवेक टेम्परेली आप चूज करते हैं तो जो सिस्टम की सेटिंग है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका सिस्टम स्लीप मोड में चले जाता है तो उस तरीके से होगा टेम्परेली पे करने पे। कीप अवेक इंडेफिनेटली आप करेंगे तो वो आपका अवेक सिचुएशन में ही रहेगा। ठीक है, कई सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हम अपने सिस्टम से अवे जा रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम स्लीप मोड में जाए, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और मिलता है, कीप स्क्रीन ऑन। अगर आप ये ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन भी ऑन रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका मॉनिटर भी ऑफ नहीं होगा, मॉनिटर भी ऑन रहेगा, सिस्टम भी ऑन रहेगा, सीपीयू भी ऑन रहेगा, यानी कि आपका जो सिस्टम है लगातार जाकर वर्क करता रहेगा। तो इसको आप ऑफ एंड ऑन अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे, पावर टॉयज के नेक्स्ट फीचर पे, जिसका नाम है कलर पिक। कलर पिकर एक बहुत ही शानदार टूल है। इसको आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं और आपको कलर कोड्स की जरूरत पड़ती है तो आपको एक पर्टिकुलर कलर पिकर गूगल पे सर्च करके आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपने सिस्टम में से ही कोई कलर पसंद है तो आप डायरेक्ट उसको पिक कर सकते हैं। कैसे, आपका ये कलर पिकर यहाँ पे ऑन होना चाहिए। एक्टिवेशन शॉर्टकट यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बाकी डिफॉल्ट जो
डिफॉल्ट जो शॉर्टकट आपको दे रखा है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस सी दे रखा है। जब विंडो प्लस शिफ्ट प्लस सी आप दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके कर्सर के पास एक कलर कोड यहाँ पे आ रहा है। अब आप जहां पर भी इसको ले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कलर का कलर कोड यहाँ पे जो HTML कलर कोड होता है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, जिसको आप अपने वेब पेजेस में या फिर कहीं पर भी आप यूज ले सकते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग वर्क में आप यूज ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं जहां पर भी जा रहा हूं अगर मैं इसको मिनिमाइज भी कर दूंगा तो यहां पर भी कलर पिकर मेरे पास रहेगा, मैं डेस्कटॉप से भी कलर पिकर यूज कर सकता हूँ। दैट मीन कि ये अगर मेरा ऑन है तो ऐसा नहीं कि मैं इसी विंडो पे यूज कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे विंडो प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाया तो आपने देखा कि कलर पिकर यहाँ पे मेरे पास आ गया है, ठीक है, जो कलर यहाँ से होके गुजर रहा है कर्सर से वो कलर मेरे पास आ रहा है। इसको वापस से हटाने के लिए जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्या आपके पास कलर पैटर्न सेलेक्ट करने का और कलर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसको आप क्लोज करके यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले टूल की तरफ। इसको आपका यूज नहीं आ रहा है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फैंसी जोन। फैंसी जोन एक बहुत ही शानदार फीचर है। पहले आपके पास एक ऑप्शन आता था आपके विंडोज 10 में और 11 में, जिसमें आप विंडो प्लस एरो कीज का यूज करके अपने विंडो को कुछ इस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। मैंने इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना रखा है इन शॉर्टकट का यूज करके। यहाँ पे फैंसी जोन अगर आपका अनेबल रहता है, ऑन रहता है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको कुछ लेआउट एडिटर देता है। अब अपने अकॉर्डिंग अगर आप मल्टी टास्क अपने सिस्टम में करते हैं तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग लेआउट अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कस्टम लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज आप तीन विंडो पे एक साथ वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक विंडो मेरी इस तरीके से आ जाए, दूसरी इस तरीके से, तीसरी इस तरीके से, तो आप ये लेआउट सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से लेआउट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से, रोज चाहते हैं, ग्रिड चाहते हैं, प्रायोरिटी ग्रिड चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं प्रायोरिटी ग्रिड सेलेक्ट करता हूं तो यानी कि ये लेआउट मेरा सिलेक्ट है फैंसी जोन के लिए। अब जब भी मैं चाहूंगा इस तरीके से अपने जो विंडोज हैं उनको अरेंज कर सकता हूं। यहां से ये टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको सिस्टम से अपने शिफ्ट प्रेस रखना होगा, देन ऑटोमेटिकली आपके पास तीन विंडो शो करेगा। आप किस विंडो में इसको ड्रैग करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट विंडो में इसको ड्रैग करना चाहते हैं तो फर्स्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने आपको रिसाइज कर लेगा, ठीक है। अगर मैं वापस से शिफ्ट प्रेस करता हूं और अपनी विंडो को यहां पे ड्रैग करता हूं और मैं चाहता हूं कि नहीं फोकस्ड विंडो में मेरा रहे, सेकंड विंडो में रहे, और मैं इसको ड्रॉप करता हूं इस तरीके से, तो यहां पे इस तरीके से जाएगा। बाकी अगर मेरे सिस्टम पे और भी दो विंडो हैं तो मैं उनको इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूं। जस्ट क्लिक करके ड्रैग करना होता है और शिफ्ट आपको प्रेस करना होता है। अगर आपको यहाँ पे लेआउट एडिटर चाहिए तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये शॉर्टकट यहाँ पे आपको दे रखा, ठीक है। तो ये फैंसी जोन का वर्क हो गया, काफी एडवांस फीचर है और इजी टू यूज फीचर है, जो मल्टीटास्क करते हैं वो इसकी वैल्यू समझ सकते हैं, ठीक है। यूज करना है तो ऑन, अदरवाइज ऑफ ऑफ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फाइल एक्सप्लोरर एडॉन्स, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर एडॉन्स कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनका प्रीव्यू आपको देती है, ठीक है। ये जो सिस्टम सेटिंग्स हैं ये आपकी एज एडमिनिस्ट्रेटर जब आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तभी वर्क करेगा। यहाँ पे मैं इसका यूज बता देता हूँ। यहाँ पे सभी प्रीव्यू पैन यहाँ पे ऑन आपको शो कर रहा है, अनेबल SVG प्रीव्यू, ठीक है, अनेबल MD प्रीव्यू, अनेबल PDF प्रीव्यू, ठीक है। ये वो प्रीव्यू है जैसे सपोज SVG की जो फाइल्स होती हैं, जो इमेज फाइल्स होती हैं, उनका प्रीव्यू आपको शो नहीं करता। जब आप उनको डाउनलोड करते हैं तो उनका जस्ट पिक्चर व्यू आपको शो करता है। उस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो उसका साइड में एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, जिससे कि वो इमेज आप बिना डबल क्लिक किए ओपन किए आप उसको डायरेक्ट उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ऐसे MD का, PDF का भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम आइकन प्रीव्यू है, आप यहाँ पे थंबनेल में भी चाहें तो उन प्रीव्यू को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इनमें तो आपके पास एक प्रीव्यू पैन साइड में अलग से ओपन हो जाएगा और इनमें आपके पास थंबनेल में ही आपको प्रीव्यू शो करेगा। नेक्स्ट इज इमेज रिसाइजर। इमेज रिसाइजर के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, जिसमें आपके पास राइट क्लिक में इमेज रिसाइज का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बना रखा है इमेज रिसाइजर के कंप्लीट यूज के लिए, क्योंकि अलग एक खास फीचर है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया। देन कीबोर्ड मैनेजर, कीबोर्ड मैनेजर भी सेम, आपके पास हर फीचर में ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन आ रहा है, ये इसकी खास बात है। यानी कि जो फीचर आपको चाहिए आप उसको ऑन रखें, जो नहीं चाहिए आप उसको ऑफ रखें, ठीक है। ये इस एप्लीकेशन का कस्टमाइजेशन है जो आपको ये सुविधा देता है कि आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन रखते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रीमैप कर सकते हैं। कि मैंने आपको बीच में एक टूल भी बताया था, एक अलग से थर्ड पार्टी टूल बताया था जिसमें आपको की रीमैप करना बताया था। यहाँ पे आपको पावर टॉय प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्टिकुलर की चाहिए तो यहाँ पे आप उसको रीमैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई की, अगर सपोज आपका कीबोर्ड लैपटॉप का कीबोर्ड है, एक कोई की खराब हो गई है, कोई इंपॉर्टेंट की, सपोज एक सी लेटर की खराब हो गई है, तो आप उसको मैप कर सकते हैं
सकते हैं किसी और की के साथ। सपोज आपके कोई की काम नहीं आ रही है तो आप उसके साथ मैप कर दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। ओके तो ये रीमैप का वर्क है और इसी तरीके से शॉर्टकट्स भी आप रीमैप कर सकते हैं, काम आ रहा है तो ऑन अदरवाइज ऑफ। ठीक है, देन माउस यूटिलिटी। माउस यूटिलिटी के लिए मैंने आपके लिए कल ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पावर टॉयज के एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि विंडोज का फीचर है, तो डेफिनेटली विंडोज का फीचर है क्योंकि आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ही प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है। ये फीचर आपका तभी वर्क करेगा जब पावर टॉयज से आपका ये ऑन रहेगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये फीचर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर हमारे सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा विंडोज 11 में, तो वो इसलिए क्योंकि पावर टॉयज उनके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं और इंस्टॉल है तो ये सेटिंग अनेबल फाइंड माई माउस यहाँ पे ऑफ है, आपको इसको अनेबल करना पड़ेगा। देन दो बार कंट्रोल दबाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास फाइंड माई माउस या फिर फोकस्ड माउस यहाँ पे आ जाएगा। ओके देन पावर रीनेम की बात करते हैं। पावर रीनेम एक बहुत ही खास फीचर है, हालांकि कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बैच फाइल से ये टास्क परफॉर्म करके बताया हुआ है, एक साथ सभी फाइलों को रीनेम करना, इनफैक्ट एक्सेल के हेल्प से भी आपको रीनेम करना बताया, तो काफी सारी ट्रिक मैंने बताई है। लेकिन यहाँ पे विंडोज में अब आपको डायरेक्ट फीचर दे रहा है अनेबल रहेगा तो ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अनेबल रहेगा तो यहाँ पे डेमो नाम का मैंने एक फोल्डर बना रखा और कुछ फाइल्स यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर रखी है, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, ऐसे ही टेस्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल। अगर आपको इन सभी को एक साथ रीनेम करना है तो आप इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे या फिर आपके पास विंडोज 10 है तो राइट क्लिक में डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पावर रीनेम। इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल फाइल नेम आ रहा है, यहाँ पे रीनेम फाइल नेम आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर सपोज आपके पास सभी फाइल्स का नेम सेम है या फिर आपको उनमें से पर्टिकुलर चीज हटानी है सभी फाइल्स के नेम में से और फिर उसको रीनेम करना है तो आप कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक नेम कॉमन नजर आ रहा है, मुझे करना है टेक्स्ट को टेस्ट, तो यहाँ पे जो सर्च कर रहा हूं मैं नेम वो मैंने लिख दिया टेक्स्ट, तो आपने देखा रीनेम्ड में से टेक्स्ट हट गया है। लेकिन अगर मुझे टेक्स्ट को रिप्लेस करना है टेस्ट के साथ तो मैं इसको टेस्ट कर देता हूं, मैंने टेस्ट कर दिया, आपने देखा न्यू टेस्ट। और सपोज मुझे न्यू हटाना है तो न्यू टेक्स्ट को मैंने सिर्फ टेस्ट लिख दिया, टेस्ट डॉक्यूमेंट। तो जस्ट यहां पे अब आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना। अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे उनका जो नाम है वो रीनेम हो गया है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस पावर रीनेम टूल का यूज ले सकते हैं और भी कस्टमाइज तरीके से। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और चलते हैं वापस से पावर टॉयज पे। नेक्स्ट हमारा पावर टॉयज रन। ठीक है, पावर टॉयज रन पे हम चलते हैं और पावर टॉयज रन का किस तरीके से आप यूज ले सकते हैं। अगर आपका ये अनेबल होता है, इस तरीके से ऑन रहता है डेस्कटॉप पे, जस्ट आप ऑल्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पे बीच में एक सर्च बॉक्स आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं अपने सिस्टम की। लाइक अगर सपोज मैं बस टुडे यहाँ पे सर्च करता हूँ तो बस टुडे मैं यहाँ पे ब्राउजर में भी सर्च कर सकता हूँ और यहाँ पे जो भी फाइल्स है मेरी उनके यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं डायरेक्टली सर्च कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन सर्च करनी है डायरेक्ट आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ये आपका पावर टॉयज रन है। ठीक है, जिसमें आप डेस्कटॉप से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इसकी जो शॉर्टकट की है एक्टिवेशन की है वो आप यहां से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ऑन और ऑफ आपकी सुविधा है। ठीक है, देन शॉर्टकट गाइड। शॉर्टकट गाइड में आपके पास एक गाइड ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपके पास अगर ये ऑन है और आप इस एक्टिवेशन की को दबाते हैं विंडो प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश तो यहाँ पे आपके पास एक शॉर्टकट गाइड आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगी जो आपको बताएगी कौन कौन से शॉर्टकट आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट शॉर्टकट गाइड आपके सामने ओपन हो गई है। ठीक है, जस्ट यही यूज है शॉर्टकट गाइड का। सेम चीज ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, यूज के अकॉर्डिंग आप करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस म्यूट। वीडियो कॉन्फ्रेंस का जमाना है, काफी सारे इंटरव्यू वीडियोस कॉन्फ्रेंस पे हो रहे हैं, लेक्चर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास अगर ये ऑन रहता है बाय डिफॉल्ट आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो ऑन ही रहता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की देता है जिनका आप यूज ले सकते हैं। म्यूट कैमरा एंड माइक्रोफोन के लिए आप ये बटन यूज ले सकते हैं शॉर्टकट की, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। म्यूट माइक्रोफोन के लिए ये ले सकते हैं और म्यूट कैमरा के लिए ये ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से कस्टमाइज चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कैमरा है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टकट की आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस म्यूट के थ्रू मिल जाती है जिनका यूज आप डायरेक्ट किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू आप यूज ले सकते हैं। तो ये थे पावर टॉयज के सभी फीचर्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे और आपके काफी काम आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर इन सभी 11 फीचर्स में से कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इन फीचर्स पर
पर कोई सी किसी एक फीचर पर भी आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसका कंप्लीट यूज मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पावर टॉयज की आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि काफी हेल्पफुल टूल है ये जो काफी काम आता है। ठीक है, कहीं पर भी कैसे भी आप इसका यूज ले सकते हैं, डिपेंड आप क्या यूज लेने वाले हैं। आई होप कि जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आएगी, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।